अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो शहीद दिवस बी ऑप्शन राइट होगा, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया है। अमर शहीदों के बलिदान को याद कर शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो तन्मय अग्रवाल, सी ऑप्शन राइट होगा, तन्मय अग्रवाल ने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये हैं तन्मय अग्रवाल। तन्मय अग्रवाल हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने 26 जनवरी 2023 को एक नहीं कई रिकॉर्ड बना डाले। हैदराबाद के नेक्सन क्रिकेट ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी राउंड 4 मैच के दौरान तन्मय अग्रवाल अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 147 गेंदों में 300 रन बनाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, नागालैंड। ठीक है ना, तो कोहिमा जिले के खूबसूरत गांव रुसोमा में आयोजित चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल में 3400 लोगों ने भाग लिया और जैविक उत्पादों और ग्रामीण उद्यमिता पर प्रकाश डाला है। ठीक है ना, अब बात है नागालैंड की, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा है नागालैंड की कैपिटल। चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। अब नागालैंड की बात है तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है नागालैंड का राज्य दिवस। 1 दिसंबर को मनाया जाता है नागालैंड का राज्य दिवस। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, एयरबस के साथ समझौता किया है। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी एयरबस टाटा के साथ मिलकर भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करेगी। एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने नागरिक हेलीकॉप्टर को लिए टाटा समूह के साथ साझेदारी की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका के साथ पर्यटकों के लिए 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है। अब बात है अमेरिका की, तो ये है मैप में अमेरिका यानी USA। इसकी कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC इसकी कैपिटल है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन यहाँ के प्रेसिडेंट है। करेंसी की बात करें तो अमेरिकन डॉलर यहाँ की करेंसी है। ठीक है ना, अब देखते हैं अमेरिका से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंद विरासत माह भी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठवा क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 कॉमन सिंगल टाइटल किसने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा, जेनिक सिनकर। ये हैं जेनिक सिनकर जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 कॉन्टेस्ट सिंगल टाइटल जीता है। ठीक है ना, इटली के स्टार खिलाड़ी जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन का 2024 का मेन सिंगल टाइटल अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच में उन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को मात दी है। सिनर ने सेमीफाइनल मैच में नोवाक जोकोविच को हराया है। सिनर ने 17.25 करोड़ की पुरस्कार राशि जीती है साल 1976 के बाद पुरुष एकल स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले वह इटली के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अरीना सबालेंका ने महिला एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, पंजाब की राज्य सरकार ने सड़क हादसों को रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत
की है। अब बात है पंजाब की, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम कौन है? भगवंत मन। भगवंत मन यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। अब बात है पंजाब की, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जलंधर में इस फोर्स की शुरुआत की है। इस फोर्स के तहत 144 हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी सड़क पर लोगों की सुरक्षा प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री मान जी ने कहा है यह देश का पहला बल होगा जो सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए समर्पित होगा। सभी दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य भी पंजाब बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दीप्ति शर्मा, बी ऑप्शन राइट है। ये हैं दीप्ति शर्मा जिन्हों को उत्तर प्रदेश सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। भारतीय स्टार महिला क्रिकेट दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्वाइनिंग लेटर के साथ दीप्ति शर्मा को 3 करोड़ का चेक भी प्रदान किया है। आगरा के रहने वाली दीप्ति ने एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। दिसंबर 2023 में दीप्ति शर्मा की पहली आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नौवां क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने के रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, फ्रांस। अब बात है फ्रांस की, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और करेंसी की बात करें तो यूरो यहाँ की करेंसी है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के बीच फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकोनो और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर मुहर लगाते हुए एक मील का पत्थर हासिल किया है। फ्रांस के तमिल कवि तुरुस्तुल की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं ने अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दसवां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो प्रीति रजक, बी ऑप्शन राइट होगा, ये है प्रीति रजक। ठीक है ना, जिन्हें पहली सूबेदार हैं उनकी उपलब्धि नारी शक्ति का एक असाधारण प्रदर्शन है। सूबेदार प्रीति रजक 22 दिसंबर 2022 को सैन्य पुलिस कोर में सेना में शामिल हुई। वह शूटिंग अनुशासन में हवलदार के रूप में सेना में नामांकित पहली मेधावी खिलाड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3 नए उपग्रह महद, कान्हान 2 और हतेफ 1 लॉन्च किए हैं? तो ए ऑप्शन राइट होना, ईरान देश ने। ये अब ईरान की बात है, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। सीएम कौन है? इब्राहिम रैसी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और करेंसी की बात करें तो ईरानी रियाल है। ठीक है ना, ईरानी रियाल यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सक अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई है? तो डिब्रूगढ़ में रखी गई है। सी ऑप्शन राइट होगा। आयुष मंत्रालय ने बताया कि सर्वानंद सोनोवाल ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा के साथ रविवार यानी 28 जनवरी को डिब्रूगढ़ में दिहिंग घमरी घाट में 100 बिस्तरों वाले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालों के साथ केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के ढेकनाल माजी को जीआई टैग मिला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, उड़ीसा। ठीक है ना, उड़ीसा ढेकनाल माजी ढेकनाल जिले की एक प्रसिद्ध और अनोखी मिठाई है। इसके स्वाद फ्लेवर और बनाने की विधि ने इसे अनोखा बना दिया है। भैंस के दूध का पनीर इसे एक अनोखा स्वाद देता है और इलायची पाउडर एक अनूठी सुगंध भी
जोड़ता है। अब बात है जीआई टैग, तो जीआई टैग में अयोध्या के बेसन लड्डू को भी जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के रेड आंट चटनी को भी जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के डोंगरिया कांद साल को भी जीआई टैग मिला है। और अरुणाचल प्रदेश की आदि केकर यानी अदरक हस्तनिर्मित कालीन तिब्बती निवासियों का द्वार और बाँचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। अब बात है उड़ीसा की, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, उड़ीसा। ठीक है ना, उड़ीसा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने संबलपुर समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है। अब बात है उड़ीसा के, तो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबलों को भी जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की मनीषा पाणी भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत की ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, पापुआ न्यू गिनी। अब पापुआ न्यू गिनी की बात है, तो ये है मैप में पापुआ न्यू गिनी। इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट मोर्सबे यहाँ की कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जेम्स मरापे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और करेंसी की बात करें तो पापुआ न्यू गिनी कीना यहाँ की करेंसी है। आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने इन दोस्तों को शेयर करें जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हमारी इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल स्टडी 31 को भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।